आपको हमने दीपक से अभिनंदन किया और हम फरियाद करेंगे फरी राजा स्टेज पे। कुछ और दिल्ली जी होस्ट पूरा बन गए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपनी फीलिंग के बारे में बात करता हूँ, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा। वन मंथ ऑलमोस्ट उससे ज्यादा मैंने यहाँ स्पेंड किए। कुछ चीजें जो है जो पहले से ही थी, पर उसके अलावा जब मैं यहाँ आया तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट उसको मैंने समझा है, जो यहाँ सीखा वो है जबान। मतलब हम अपने जबान से शायद बहुत कुछ बोल देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, बट मैंने यहाँ समझा कि ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ के, क्या कह रहे हैं और किस सिचुएशन में क्या कह रहे हैं। तो ये चीज रियलाइज हुआ है कि यही है जो आपको इज्जत बख्शेगा, मीन्स यही एक जबान है जो आपको शायद डिफेम भी कर सकते किसी के सामने। तो इसका सही इस्तेमाल करें सही वक्त पर। और इससे जुड़ी हुई बाकी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ सीखा है, बट मेनली द इम्पोर्टेंट थिंग आई विल टेक केयर ऑफ माई टंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी बातें हम मॉरलिटी की सुनते हैं और उस चीज को सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं कि इम्प्लीमेंट हो जाए मेरे बच्चों के अंदर, पर फाइनली इस चीज को समझ नहीं पाते। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो समझ में आता है कि ये जरूरी क्यों है। यहाँ आकर मैं समझा कि जरूरी क्यों है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट डे एंट्री लिया था तो काफी सारे लोग थे, शायद मैं समझा नहीं था कि शायद इतने ज्यादा पोलाइट होते हैं लोग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पटना में, बहुत इम्पोलाइट, बहुत फर्म होते हैं, कुछ कहना होता है, और अगर आप उनसे पूछेंगे ना कोई चीज तो अगर एक दो बार पूछेंगे तो शायद वो बहुत ज्यादा मतलब रूडली बिहेव करते हैं, अच्छा नहीं लगता है एक चीज को बार बार रिपीट करना। पर यहाँ मैंने नोटिस किया और सब लोगों के अंदर ये क्वालिटी कि अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा चीज आपको, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नथिंग टू रिग्रेट कि नहीं समझ में आ रही। बहुत कॉमन सी चीज है कि अगर एक बार में हमें वो बात नहीं समझ में आ रही, दोबारा फिर पूछिए, दोबारा नहीं फिर पूछिए, और ये बहुत प्लस पॉइंट है जिस बेसिक है ये हम समझे इस बात को। तो खैर मैंने इस चीज को यहाँ समझा, आई होप कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। यस सर, यस सर। आपने बहुत सारी चीजें बताई, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आपको इंडक्शन 175 को लेकर के और या हमें जितने भी ट्रेनी है एंड हमारे ट्रेनर है इनको लेकर के आपका क्या नजरिया रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली पहले है ना, मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिला हूँ शुरुआत से ही, जो इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान, घर पे रहना ज्यादा नहीं मिलना लोगों से। बट फाइनली मैं यहाँ आया तो मैंने मिलना स्टार्ट किया। मेरे घर वाले पहले से मुझे कह रहे थे वहां जाना है, कोशिश करनी है, शुरुआत तुम्हारी होनी चाहिए किसी से मिलने के लिए। तो यहाँ आकर मुझे समझाया कि क्वालिटी है ना ये डिपेंड नहीं करती आपके एजुकेशन के ऊपर। मैंने बहुत सारी चीज मैंने कृष्ण से सीखी है, ठीक है, कि किस तरह से चीजें है ना, अगर मान लेते हैं कि वो नो मैटर कि आप कितने एजुकेटेड है कितना ज्यादा जान रहे हैं, बट सिचुएशन कैसे हैंडल करना है अलग अलग वे में वो मैंने ऑब्जर्व किया। दिलीप से काफी कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने इनसे, अक्सर इनके साथ चाय पीने के लिए मैं बाहर गया हूँ और मैंने ऑब्जर्व किया कि सिचुएशन कभी कभी बहुत ज्यादा अगर आपके फेवर में नहीं है तो डिसअपॉइंटमेंट जरूर बदलते हैं सिचुएशन, ठीक है, और रास्ते अगर एक बंद होते हैं तो दो तीन और खुलते हैं। तो ये चीजें हैं, मैंने सब लोग से कुछ ना कुछ सीखा है, और स्पेशली जो मैंने सबसे ज्यादा सीखा है वो तो ऑब्वियसली हमारे ट्रेनर है, सबसे ज्यादा मैंने सीखा है इससे। बहुत सी चीजें इनकी बातें मैंने बहुत सारी चीज रिकॉर्ड, मतलब मेरी आदत है लिखने की, बहुत ज्यादा आदत है, मैं उसे लिखता हूँ, मैंने इनका लिखा है बहुत सारी बातें और बाकी लोगों को इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरी यार की, हमें है यकीन फिर खता क्या हुई
लिरिक्स में बोल। ओके फाइन, थैंक यू।